डर के सीक्वल में क्या सनी देओल फिर से शाहरुख खान के साथ काम करेंगे? 25 सालों तक सनी देओल ने यशराज के साथ काम क्यों नहीं किया? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, शाहरुख खान, सनी देओल और जूही चावला स्टारर सुपरहिट फिल्म डर तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म ने एक तरफ जहां शाहरुख खान के करियर को नई उड़ान दी, वहीं बॉलीवुड के दो स्टार्स शाहरुख खान और सनी देओल के बीच मनमुटाव भी पैदा किया। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के बाद से सनी देओल ने शाहरुख खान से बात तक नहीं की? तो आइए आज आपको इस किस्से से हम रूबरू कराते हैं। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में शाहरुख खान ने एक ऐसे प्रेमी का किरदार निभाया है जो हर परिस्थिति में अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता है। उस समय सनी देओल बड़े स्टार हुआ करते थे, इसीलिए डायरेक्टर यश चोपड़ा ने उन्हें ये ऑफर दिया था कि वो राहुल मेहरा और सुनील मल्होत्रा में से एक किरदार को चुन ले। सनी पाजी को लगा कि उनके लिए सुनील मल्होत्रा का पॉजिटिव कैरेक्टर सही रहेगा, इसलिए उन्होंने ये किरदार चुना। वहीं दूसरी ओर कई लोगों के द्वारा ठुकराए जाने के बाद ये फिल्म फाइनली शाहरुख खान के पास आई। शाहरुख खान ने इस फिल्म में अपनी जान लगा दी और बॉलीवुड को मिला किरण वाला विलन। एक इंटरव्यू के दौरान सनी देओल ने खुलासा किया था कि जब फिल्म डर बनाई गई तो मुझे इस बारे में नहीं बताया गया था कि इस फिल्म में विलेन को हीरो से ज़्यादा दमदार तरीके से पेश किया जाएगा। मैं अपनी फिल्मों के बारे में पहले ही निर्देशक से सारी बातें जान लेता हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस फिल्म का अंत कुछ ऐसा होना है तो मैं हैरान रह गया था। मुझसे झूठ कहा गया था। यही वजह है कि मैं पिछले 25 सालों में कभी भी यशराज के साथ काम नहीं किया। सनी देओल ने आगे कहा था कि फिल्म में लोगों ने मुझे भी पसंद किया था, शाहरुख खान को भी पसंद किया। फिल्म के साथ मुझे बस इतनी समस्या थी कि मुझे नहीं पता था कि वो विलन को इतनी अहमियत देंगे। मैं फिल्मों में हमेशा खुले दिल से और लोगों पर भरोसा करके काम करता हूँ। दुर्भाग्यवश ऐसे कई लोग और एक्टर्स हैं जो ऐसे काम नहीं करते, शायद वो ऐसे ही स्टारडम चाहते हैं। डर फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन में शाहरुख खान सनी देओल को चाकू मारने वाले थे। फिल्म की स्क्रिप्ट ही यही थी। इस सीन को लेकर सनी देओल की यश चोपड़ा से काफ़ी बहस भी हुई थी। उनका कहना था कि फिल्म में वो एक फिट कमांडो हैं, ऐसे में उन्हें एक आम लड़का आकर चाकू कैसे मार देगा, तो फिर वो कमांडो किस काम के हैं। लेकिन डायरेक्टर ने कहा था तो सीन करना पड़ा। इस सीन को शूट करने के दौरान सनी देओल इतने गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने अपने पैंट की दोनों जेब फाड़ दी थी, और इस घटना का जिक्र भी सनी देओल ने खुद ही किया था। वेल, जहां सीक्वल्स और रीमेक की बहार चल रही है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि डर का सीक्वल भी यशराज फिल्म्स जल्द ही बना सकते हैं, और साथ ही साथ सनी देओल और शाहरुख खान इस फिल्म में एक साथ काम कर सकते हैं। तो आप लोग कितना एक्साइटेड हैं इस सुपरहिट जोड़ी को फिर से एक साथ देखने के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।